सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं अभी जाने वाली हूँ सोहेल के घर, क्योंकि मुझे कूलर लौटाना है। तो अभी तक मैंने अपना जो है उबेर बुक नहीं किया। उबेर ये देखो मम्मी ने, मम्मी बैकिंग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ। मेरा जो ड्रेसिंग वगैरह है जो कॉल बहुत जल्दी आने वाला है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, बट थोड़ा लेट हो गया। और आज है सैटरडे, मेरा छुट्टी का दिन है ऑब्वियसली। तो मैं उठ गई सुबह सुबह और मैंने अभी एक नॉर्मल वन पीस पहन लिया है, क्योंकि और ये बेड है हम लोग का। ये देखो मम्मी ने, मम्मी बैकिंग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ। मेरा जो ड्रेसिंग वगैरह है जो कॉल बहुत जल्दी आने वाला है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, बट थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि ऑफिस एवरी डे जाना होता है। वीक ऑफ का भी थोड़ा झमेला चल रहा है, क्योंकि मैं अपना सिक्स डे करती हूँ, तो एक ही वीक ऑफ मिलता है मुझे फिर। तो इस दिन अभी शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है, आपको बताया, तो बहुत काम होता है, तो इसलिए शूट नहीं करना होता थोड़ा है इतना, और इसलिए वीडियोज वगैरह भी थोड़ा डिले जा रहा है, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अभी मैं जा रही हूँ, सारा कपड़े वगैरह जो मम्मी लेकर भी निकल गई है वो सब टेलर के पास देने के लिए, थोड़ा स्टिच करवाना है, क्योंकि थोड़ा बड़ा हुआ है मुझे, तो यही सब करेंगे। बहुत सारा शॉपिंग भी मैंने किया है इसलिए। और हाँ, आज मैं शॉपिंग में जाने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट तो एक तारीख था, 31st को सैलरी आ गया मेरा, तो ऑब्वियसली सैलरी आने के बाद थोड़ा बहुत तो शॉपिंग चलता है। तो इस बार मैंने मिंत्रा से नहीं लूँगी, मैंने डिसाइड किया है इस बार मैं लूँगी जूडियो से। तो जूडियो जाऊँगी आज शाम को मम्मी के साथ। तो अभी पहले ये करते हैं, उसके बाद आईब्रोज करवाती हूँ, क्योंकि आईब्रोज भी मेरा गंदा हालत हो गया देखो। तो फिर आके चिकन बनाने, मुझे फिश तो ऑलरेडी मम्मी बना चुकी है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ सारा कपड़े वपड़े सिल के, और मैं ना पार्लर जाना भूल गई, पार्लर नहीं गई, मैं शाम को जाऊँगी पार्लर। अभी यार मूड नहीं हो रहा था मुझे पार्लर जाने का, और मैं पता क्या खरीदी वहाँ पर ना, वो लोग मतलब सारा पीस वगैरह भी रखते हैं, कुर्ती का, सलवार कमीज का। तो मैंने ना एक सलवार कमीज का सेट ले लिया है, बहुत सुंदर है ये। एक्चुअली दुर्गा पूजा बहुत ही सामने है, तो दुर्गा पूजा के लिए मुझे ड्रेसेस भी कलेक्ट करना है ऑब्वियसली। तो अभी से मेरा स्टार्ट हो गया है, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वो लोग ना टेलर को बुलाएंगे, फिर वो लोग बनाएंगे, मतलब जो कपड़ा बनाते हैं वैसे वाला टेलर, और ये लोग तो नॉर्मल सिलाई वलाई करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या खरीदा है। सो गाइस, ये वाला मैंने लिया है आज, ये वाला जो सेट है एक्चुअली ये ना बनाना है, अभी बनाना बाकी है। इसके साथ और एक कलर है, वो कलर मुझे अच्छा लगा था, बट उन सभी ने बोला, मम्मी ने भी, कि ये वाला कलर मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो बहुत सही लगा मुझे ये। अभी टेलर को वो लोग बुलाएंगे, नेक्स्ट वीक में जाऊँगी इसको बनाने के लिए, बहुत सही लगा मुझे ये। तो गाइस, मैं अभी जाऊँगी चिकन बनाने के लिए, तो मैं फटाफट जाके चिकन बनाती हूँ। बहुत सारा काम है मुझे, पूरा एकदम रूम वगैरह जो है वो सेट करना है, मुझे अपना वीडियो एडिट करना है, जो कूलर है वो सोहेल का लौटाना है, सोहेल का कूलर है वो, और मुझे जूडियो भी जाना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि शॉपिंग नहीं हुआ मेरा, ये तो दुर्गा पूजा के लिए था थोड़ी ना अभी के लिए। सो गाइस, यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ चिकन, तो फिश जो है वो ऑलरेडी मम्मी ने फ्राई कर दिया था, अभी हम लोग गर्म करके फिर खाने के लिए बैठने वाले थे, ठीक है। और गाइस, मैंने ना बहुत सुंदर एक चीज़ ऑर्डर किया था, वो था ईयरबड्स। तो बेसिकली ये आज आ गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और ये जो कलर, ये मेरा आजकल का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कलर है, ठीक है, बहुत सही लगा मुझे। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है। गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं अभी जाने वाली हूँ सोहेल के घर, क्योंकि मुझे कूलर लौटाना है। तो अभी तक मैंने अपना जो है उबेर बुक नहीं किया, उबेर बुक करूँगी तो ऑटो से चले जाएंगे सामने ही उसका घर, बट कूलर लेके थोड़ी ना चल के जाऊँगी, तो इसलिए मैं उबेर से जाऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं जाऊँगी जूडियो शॉपिंग करने के लिए थोड़ा। तो बेसिकली मैं देख रही थी मुझे जीन्स चाहिए कि नहीं, तो बेसिकली है मेरे पास जीन्स, बट बहुत पुराने हो गए जीन्स, देखती हूँ क्या खरीदूँ क्या नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जाके देखती हूँ कैसा है जूडियो का कलेक्शन वगैरह, कैसा है जूडियो का। तो रिसेंटली मैंने जूडियो से दो शू खरीदा था, जो आप लोगों को नहीं दिखाया, बट इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो बेसिकली जूडियो का कलेक्शन मतलब उतना भी बुरा नहीं है, सही है, ठीक है। तो वैसे कल जूडियो में एक बार गई थी, लाइक अच्छा ये कलेक्शन यहाँ पर सामने का। तो फिर मैं देखती हूँ क्या खरीदते क्या नहीं, सब कुछ इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलो अभी चलती हूँ मैं, फटाफट उबेर बुक कर देती हूँ, अभी तक मैंने उबेर बुक नहीं किया है,
ओवर बुक करती हूँ, खुला लटकती हूँ, फिर बात करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। और हाँ, मैं बताना भूल गई, मैंने आप ये एक रेड कलर का टॉप पहना है, ये मैंने आपको हॉल में शेयर नहीं किया है, बहुत जल्दी हॉल आने वाला है, ठीक है, बट एक्चुअली शूट करने का टाइम नहीं मिला था इसलिए, और इसका जो स्लीव है पॉप स्लीव है, ठीक है, सही है, उतना भी बुरा नहीं है, कंफर्टेबल है, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट चलती हूँ, निकल के बात करती हूँ आप लोगों के साथ। गाइस, ये वाला जो बैग देख रहे हो आप, ये भी मैंने न्यू लिया, एक्चुअली मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है ये वाला जो बैग है। और साइड से आप अगर अजान का लाइक साउंड आ रहा है तो प्लीज़ मतलब कुछ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अभी अजान का भी टाइम हो गया है तो इसलिए। और ये देखो, ये वाला बैग जो मैंने न्यू लिया है, बहुत ही सुंदर है इसके नीचे, और मुझे ऐसे टाइप का बैग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एज यू गाइस नो, ठीक है, थोड़ा ग्लिटरी काइंड ऑफ, आई लव ग्लिटर सीरियसली, तो देख लो, बहुत सुंदर ये वाला बैग। I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel right, I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine, I'll be waiting for a sign to light up, yeah, and your heart is out of sight, I just wanna feel mine. क्या मैं आपको दिखाती हूँ पहले, तो पहले आप देखो मेरा फेवरेट एक परफ्यूम है, बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस है इसका, मेरे को सही लगा। एक वेट टिश्यू है यहाँ पर, इसका फ्लेवर है लेमन। हाँ, बाद आता है कि एक्चुअली हीज का कलर और ये वाला बेडशीट का कलर बड़ा सेम है, मेरे को ना ऐसे टाइप के कलर बहुत सही लगते हैं। तो ये ना एक शर्ट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा, ठीक है, फुल स्लीव नहीं है, थोड़ा हाफ स्लीव है ये, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगा है तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद आता है टी शर्ट्स, मैं दिखाता हूँ आपको टी शर्ट क्या क्या लिया है। सो ये देखो, मैंने लिया है तीनों टी शर्ट, ये वाला एक टी शर्ट काइंड ऑफ लिया है टॉप टी, और ये है रेड कलर का, ठीक है, ये हो गया ऐसा वाला एक कलर हो गया येलो काइंड ऑफ, रेड भी आ रहा है मेरा फेवरेट कलर, पर्पल, पर्पल कलर का ये टी शर्ट बहुत ही सही लगा मुझे, ये वाला कलर, ये वाला और मेरा फेवरेट रेड कलर। तो यही सब शॉपिंग किया और कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग ना एकदम आखिर में गए थे, तो बोल रहा था वो वाला जो होता है ना सेल्समैन, वो बोल रहा था कि अभी ट्रायल रूम बंद हो गया, और ट्रायल ना करके मैं कैसे कपड़े खरीद लूँ, बोलो आप। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर, और शॉपिंग मतलब किया है मैंने, बट एक्चुअली क्या हुआ ना, ऑलरेडी मैं आपको दिखाई चुकी हूँ शॉपिंग क्या मैंने। तो बेसिकली हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, क्योंकि सोहेल के पास उसका कूलर मुझे देना था, उसके बाद लाइक मुझे शॉपिंग करने के लिए निकलना था, और बहुत लेट हो गया था, तो ट्रायल सारा कपड़े वगैरह नहीं करने दिया, जितना किया मैंने वही ले पाई, और भी बहुत सारा लिया था मैंने, ट्रायल नहीं करके मैं नहीं ला मतलब खरीदना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कौन सा ड्रेस मेरे ऊपर सूट करता है, बट बहुत सारा ऐसा न्यू ड्रेसेस है जो लाइक पहन के दिखना होगा कि इट सूट्स मी और नॉट, तो इसीलिए, तो यही वाला सीन है। तो फिर भी मैंने शॉपिंग किया, शॉपिंग नहीं करके तो नहीं आ सकती, शॉपिंग करने के लिए गई थी, इसीलिए जो भी है जितना भी खरीदा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यही था आज का पूरा व्लॉग, बहुत ही छोटा व्लॉग है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया मैंने आप लोगों को व्लॉग में। तो फिर कल से मेरा ऑफिस है, एक्चुअली क्या हो गया, अभी फ्राइडे सैटरडे मेरा ऑफिस से हो मतलब छुट्टी हो रहा है, तो सैटरडे या फ्राइडे का मैं शूट कर लूँगी, संडे से मेरा ऑफिस, संडे मेरा ऑफिस रहेगा आजकल, अभी इस मंथ का तो यही है, नेक्स्ट मंथ का पता नहीं कब वीक ऑफ मिलेगा, वीक ऑफ तो दो ही है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला है फ्राइडे और सैटरडे मेरा वीक ऑफ रहेगा, ठीक है। तो यही था आज का पूरा वीडियो, अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो आप लोगों को, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ, और आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।